दोस्तों, चाइना ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया और लोगों को अपने घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया। लेकिन चाइना का ये कोई पहला ऐसा घटिया काम नहीं है। इससे पहले भी चाइना ने ऐसे कई कारनामे किए हैं। उनमें से एक है द ग्रेट स्पैरो कैंपेन। इसे चलाया गया था 1958 में। इसे फोर पेस्ट कंट्रोल या फिर चार कीट अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस चार कीट अभियान में चार कीटों को चाइना की जमीन से जड़ से मिटाना था। वो थे गोरैया चिड़िया, चूहे, मक्खी और मच्छर। चूहों को प्लेग फैलाने, मच्छर को मलेरिया, मक्खियों को बीमारियां फैलाने और गोरैया चिड़िया को अनाज और बीज खाने और फसलों को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराया गया। इस अभियान में चाइना सफल तो हो गया, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये निकला कि करीब 2.5 से 3.5 करोड़ लोगों को भुखमरी के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस क्रूर अभियान को शुरू करने वाला था माओ जेडोंग, चाइना में जिसे एक देश रक्षक, महान क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता था। माओ लोगों के लिए भगवान बन चुका था क्योंकि उसने लोगों की आंखों को रंगीन सपनों से भर दिया था। दरअसल साल 1950 से चाइना आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इससे उबरने के लिए जेडोंग ने ग्रेट फॉरवर्ड नाम का प्लान बनाया। इसके कई हिस्से थे, इन्हीं में से एक था फोर पेस्ट कंट्रोल। वो चाहता था कि किसी भी तरीके से कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाए और चाइना में औद्योगिक क्रांति लाई जाए। माओ और उसके प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया था कि वो 15 सालों में चाइना की अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन और अमेरिका से भी ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि उस समय ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था नंबर 1 पे थी और अमेरिका की अर्थव्यवस्था नंबर 2 पे आती थी। उस समय विशेषज्ञों ने माओ को ये डाटा दिया कि हर साल एक गोरैया चिड़िया 2 पाउंड यानी करीब 2 किलो से ज्यादा अनाज को खा जाती है, और यही नहीं, वो बाकी फसलों और फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर गोरैया चिड़िया को मार दिया जाए तो वो अनाज बच जाएगा और इससे अनाज का उत्पादन बढ़ जाएगा, और इस तरह बचाए गए अनाज के भंडार को वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमा सकेंगे। सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि पक्षी पब्लिक और देश की पूंजी के दुश्मन है। बस फिर क्या था, ग्रेट स्पैरो कैंपेन को शुरू कर दिया गया। हर तरफ गोरैया को मारने का प्रचार फैला दिया गया। देश की सेना और जनता अब तो बस गोरैया को मारने में ही जुट गई। सभी मिलके एक ही नारा लगा रहे थे, गोरैया मार के लाओ और इनाम पाओ। सरकारी एजेंसी और स्कूल्स के बीच प्रतियोगिताएं शुरू हो गई। जो जितने ज्यादा मरी हुई चिड़िया, चूहे, मक्खी और मच्छर लाएगा उतना ही बड़ा इनाम पाएगा। चूहे, मक्खी और मच्छरों को मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन गोरैया चिड़िया एक आसान शिकार साबित हुई। चीनियों ने गोरैया को मारने के लिए एक अजीब तरीका अपनाया। वो लगातार चिल्लाते रहते, ढोल, टीन और बर्तनों को बजाते रहते। इससे चिड़िया डर के मारे लगातार उड़ती रहती और हार थक के जमीन पे आ गिरती और लोग उन्हें पकड़ के मार डालते। बेचारी चिड़िया को हर तरफ से निशाना बनाया गया। कोई उन्हें बंदूक से निशाना बना रहा था तो दूसरी तरफ बच्चे उन्हें गुलेल से मार रहे थे। गोरैया के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। यही नहीं, उन्होंने चप्पा चप्पा छान मारा। जहां भी चिड़िया का घोंसला मिलता वो उसे तोड़ देते और उन घोंसलों में मौजूद अंडों को फोड़ देते और बच्चों को बेरहमी से मार डालते थे। लोग इस काम को इतना उतावला होकर कर रहे थे कि पहले ही दिन उन्होंने 2 लाख चिड़ियों को मार दिया। लोग खुद को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चिड़ियों को मार के उनकी लंबी लंबी मालाएं बना रहे थे। लोगों को कहर इतना ज्यादा हुआ कि चिड़िया बड़े समूह में चाइना में स्थित दूतावास की बिल्डिंग में घुस गई, लेकिन लोग वहां भी पहुंच गए। जब वहां के ऑफिसर्स ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया तो लोग दूतावास के चारों तरफ ड्रम्स और बर्तन बजाने लगे। लगातार 2 दिन तक उनके ड्रम और बर्तन बजाने के कारण सभी डरी चिड़िया ऊपर उड़ने की कोशिश करती और बिल्डिंग की छत से टकरा टकरा कर मर गई। सिर्फ 2 सालों में ही गोरैया चिड़िया चाइना से लगभग लुप्त हो गई। सिर्फ गोरैया ही नहीं, उन्होंने अन्य पक्षियों को भी गोरैया की आड़ में खूब निशाना बनाया। जहां लोग इस क्रूर काम को करके खुशियां मना रहे थे, दूसरी तरफ पर्यावरण असंतुलन अपनी जड़ें जमा रहा था, क्योंकि चाइनीज गोरैया को मार के अपनी ही खुद की कब्र खोद रहे थे। जब गोरैया चिड़िया को मार दिया गया तो कीट पतंगों की तादाद में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि गोरैया सिर्फ अनाज ही नहीं खाती थी बल्कि दूसरी कीटों को भी खाती थी जो फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। अप्रैल 1960 के आते आते चाइनीज लीडर को इस कैंपेन को रोकना पड़ा। गवर्नमेंट ने 2.5 लाख चिड़िया सोवियत यूनियन से इम्पोर्ट की ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब क्योंकि चिड़िया ही नहीं बची थी तो टिड्डियों और दूसरे कीटों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई। तो टिड्डियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि वो मिनटों में ही खेतों की फसलों को चट करने लगी। सरकार और लोग बेबस होकर खड़े देखते रहे। मजबूरी में टिड्डियों और दूसरे कीटों को मारने के लिए फसलों पे जरूरत से ज्यादा कीटनाशक छिड़का गया, लेकिन इसने भी बुरा असर दिखाया और फसलों को गलाकर तबाह कर दिया। अब चाइना में भुखमरी की शुरुआत हो चुकी थी। लोग पेट भरने के लिए अनाज को तरसने लगे। इस अकाल और भुखमरी ने 3 साल में ही 2.5 से 3.5 करोड़ लोगों की जान ले ली। चाइना के इतिहास का ये पन्ना आज भी काले अक्षरों से लिखा है। चीन के पत्रकार यांग जिशेंग ने दुर्घटना पर एक किताब टूमस्टोन लिखी थी जो चीन में ही बैन कर दी गई। इस किताब में पत्रकार ने जिक्र किया कि कैसे भूख से मरते लोगों ने अपने ही लोगों की लाशें खाने शुरू कर दी थी। दोस्तों, देश चाहे जो भी हो, जो भी प्रकृति के नियमों के साथ छेड़खानी करेगा उसे बुरे परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।